जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी का आधिकारिक रूप से ऐलान करने वाले हैं। इसी के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ किंग मेकर बनकर पर्दे के पीछे रहकर सरकार चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का ये गांधी वाला उदाहरण इकलौता है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र में भी इसके कई उदाहरण हैं। गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर के दिन प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज के राजनीतिक दल के रूप में औपचारिक ऐलान करेंगे। इसके लिए पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पूरी तैयारी कर ली गई है। लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने का इंतजाम किया गया है। राजधानी पटना को जन स्वराज के पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। इधर अपनी पार्टी के औपचारिक ऐलान से पहले प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान को राजनीतिक तौर पर काफी तीखा और गंभीर माना जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र होगा जो लालू प्रसाद को जंगल राज लागू करने में मदद के लिए कांग्रेस का हुआ था। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इधर एक सवाल को लेकर पूछे गए जवाब में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी के बीच अपनी नई नवेली पार्टी के भविष्य के सवाल को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो दोनों प्रतिद्वंदी गठबंधनों को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने 30 साल से अधिक समय तक राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बनाकर रख दिया है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने राजनीतिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी के नेताओं को तय करना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनका चुनाव लड़ना अच्छा होगा तो वो लड़ेंगे। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बताते हुए नजर आए, वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिहार को परेशानी में डाला है क्योंकि उसे केंद्र में सत्ता के लिए जदयू सांसदों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आखिरी दौर में है, अब उनके नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। उनके समर्थक भी जानते हैं कि उनकी वर्तमान शारीरिक और मानसिक राजनीतिक स्थिति में वो किसी भी तरह से बिहार जैसे राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है, बावजूद बीजेपी नीतीश कुमार का साथ दे रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि दिल्ली में अपनी सरकार कायम रखने के लिए उसे बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पता है कि अगर वो यानी नीतीश कुमार सत्ता में रहे तो उसका गठबंधन हार जाएगा, लेकिन ये भाजपा की राजनीतिक मजबूरी है। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार पर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा किया है। प्रशांत किशोर ने राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर सीएम की चुप्पी का हवाला दिया। उन्होंने बाढ़, भूमि सर्वेक्षण और स्मार्ट मीटर विवाद आदि मुद्दों को भी सामने रखा। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का करियर खत्म होने वाला है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।